ये बेजती करिया करदा सी, वो पलंग हिलिया नहीं। इसने बड़े जतन किते कि बाकी धार्मिक आगुआ वांग मैं बेजती करा, कर नहीं सकिया। ये कौन है? ये माधोदास है। और जेड़े महापुरख ये डेरे विच आए ने, वो सरबंसदानी कलगी साहबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। इसने डिग के आख्या सीगा मैं तुहाडा बंदा, ते पातशाह जी ने कहा तू गुरु दा बंदा बन और इस धरती दे उते बेइंसाफी ते जड़ी कई सौ साल दी हकूमत सी, इस गुरु दे बंदे ने फिर टक्कर लई और श्री फतेहगढ़ साहब जी दी धरती ते फिर केसरी निशान साहब चला दिते, पहला सिख राज स्थापित कर दिता। और सच जाणियो ये गुरु दा बंदा बाबा बंदा सिंह बहादुर, इसने ऐसा थोड़े समय विच राज स्थापित किया। अज असी अपने हक्कां वास्ते संघर्ष विच बैठे सी, अज अधिकारां वास्ते जिहड़ी प्रॉपर्टी जिहड़ी जायदाद वास्ते असी बैठे सी, ये अधिकार पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सानू ये अधिकार फरकशियार नू चलाक बिल्ली आख्या गया, चलाक लूंबड़ी आख्या गया है। फरकशियार ने बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरदास नंगल गढ़ी दे कोल बिल्कुल नज़दीक गुरदासपुर दे, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर अपनी रणनीति दे नाल झूठियां चिट्ठियां जड़ियां ने माता सुंदर कौर जी नां वल्लों सिखां दे कोल बाबा बंदा सिंह बहादुर दे सामने शहीद कर दिते गए। बाबा अजय सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर दा पुत्तर उसका पेट चाक करके बाबा बंदा सिंह बहादुर दे मूँह विच पाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा अंग अंग कट के बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां अखां कढ दित्तियां गईयां। ते फिर फरकशियार पुछदा है कैसी मौत दवां, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा सी गुरु दा परोपकारी सिख सी, जिहो जी मौत तू मैनू देगा ओह जी मौत तैनू आवेगी। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दे बोल पूरे होए, फरकशियार नूं अन्ना करके उसके पुत्रां ने जलील करके जड़ा जहर दे के मारिया सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे अंदर गुरु दा भरोसा अपनी शहादत दे के, जदों किते सिखी दा दर्द किसे प्यारे दे अंदर आ जांदा है वह फिर इतिहास विच कौड़ा मल नहीं, इतिहास ने मिठा मल लिखिया। अज असी उस महान योधे दी याद विच बैठे हाँ जिसने थोड़े समय दे विच जिवें बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं गुरु दा थापड़ा सी, गुरु दा बंदा बन के एक आगू बन के उसने अपनी समर्था तो वध कार्ज किते, सिखी दी महान सेवा कीती। इस तरह दीप तो भाव दीपक रोशनी थोड़े जे समय दे विच उस दी ऐसी रोशनी, उस रोशनी दे विच जदों तुसी तकियो अंतम यात्रा दे वेले तकियो कि उत्थे नौजवान ये गल सोवा खा रहे सीगे कि दीप तू चला गया है पर अज साडे चेहरियां ते केस नहीं, असी सिखी नू वापस लैके आवांगे, साडे गलां विच श्री साहब नहीं, दीप तू चला गया है। अज तक किन्ने संत महापुरश गए होणगे, असी भी अंतम यात्रा विच जांदे रहे हां पर इस तरह दा जवानी दे अंदर हलूणा नहीं देखिया, इस तरह दा नौजवान दे अंदर प्यार नहीं देखिया कि उत्थे नौजवान ये कहिंदे होण कि दीप तेरे विचारधारा नूं समझण विच
कौम दे आगुआं कोल कोई फर्क रह गया है, क्योंकि किन्ना चंगा होवे जेड़ा कोई अगवाई करन दे योग आ। पहली गल असी नकार दिंदे आ हर चीज़ नूं, हर चीज़ ते किंतू करन लग जाने आ और कहिंदे आ कौम नूं चंगा आगू मिलदा नहीं। कि कौम आगुआं तो बिना है कि जां असी सही आगू की पछाण ही नहीं करते। असी सही आगू की जे पछाण करिए, भाई गुरदास जी ने कहा साडे नालों एक कीड़ी है ना, असी कहिंदे आ ये बड़ा एक ओ जीव है जिहदी समर्था कोई नहीं, इहनूं तां जिहड़ा मर्जी मसल दवे, पर कहिंदे जे सिखणा होवे ते कीड़ी कोल सिखिया जा सकदा है। कदी देखियो वो कीड़ी जिहड़ी आ आपणे आगू दे पिछे चलदी है, ते कहिंदे काढ़ियां दे भौण इसे तरह दौड़े फिरदे ने। इस तरह साडी कौम की हालत यह हो गई है कि असी आगू विहीणे हो गए हाँ। जे कोई योग आगू मिलता है तो असी उहदी समर्था ते किंतु परंतु करदियां अपना समा बर्बाद कर दिंदे हां। पर दीप ने जाण तों बाद भी, संदीप सिंह दीप दे जाण तों बाद भी अज सानू पता लगा उहदे अंदर की समर्था सी, उहदी सोच की सी। असी केवल तो केवल सोचिया शायद एक किसानी संघर्ष जड़ा है ये भारत सरकार नाल है, पर सच जाणियो दीप कहिंदा ये तो साडा देश जड़ा विकासशील देश है, पछड़िया होया देश है, ये वड्डे देशों के रहमो करम ते पल रहे है। जेडे पूंजीवाद लोग ने उन्होंने देशों के देश खरीदे हुए ने, ये देश उन्हां लोकां दे अधीन ने पूंजीपतियां दे जिन्हां ने इन्हां नूं करजाई कीता होया। ये मोदी वर्गे तां इक मोहरे ने। ये दीप जाणदा सी कि इत्थे जिहड़ा संघर्ष है ना, जिहड़ा संघर्ष ये संघर्ष केवल हिंदुस्तान दा जां पंजाब दी किसानी दा नहीं, संसार दे उत्ते दो विचारधारा चलदियां ने, एक नास्तक है एक आस्तक है, एक रब नूं मन्नण वाले ने एक रब तो मुनकर ने, ते एक विचारधारा वो है जिहड़े लोग इस संसार दे सारे सरमाए ते कब्जा करना चाहुंदे ने, ते एक वो लोग ने जिहड़े दो टाइम की रोटी नहीं खा सकते। किन्नी बड़ी बेइंसाफी है इस संसार ते। ये धरती अकाल पुरख वाहिगुरु ने धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहण पंच परवान। इत्थे तां इस धरती ते पंच बनना सी, इत्थे ते गुरु दी सिखिया दे नाल ज्ञान प्राप्त करके मानवता दा मनुखता दा भला करना सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा किहदे नाल झगड़ा सी? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सिखा रहे सन कि जिहड़ा ताज तुहाडे सिर ते है ये पहला औरंगजेब दे पैरां नूं लाया जांदा है, जिहड़ियां तुहाडियां धीआं ने धी नूं इज्जत किया, कान सिंह नाभा ने सिर दी पग किया ते धीआं दे डोले ही तोड़ दिते, ते फिर तुहाडियां काहदियां इज्जतां? गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ते सिखाया ना जूणा किवें आ, जे जीवे पत लच्छी जाए सब हराम जे ता किश खाए, भाव जे इज्जत नाल गैरत नाल जूणा नहीं मिलता ते इस तरह दा जूणा फिर एक अणखी गुरसिख नूं परवान नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सिखा के गए ने साडा किसे नाल कोई झगड़ा नहीं, पर असी स्वै माण दे नाल जूणा चाहुंदे हां। मनुखी अधिकारां दी गल करदे हां ते मनुखी अधिकार सारियां नूं बराबर मिलने चाहिए ने। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शीश दे के धर्म हेत साका जन किया, शीश दिया पर सिर न दिया, फिर ततियां तवियां ते बैठन दी की लोड़ सी, ये स्वै माण दे नाल जूण वास्ते लिया। हुण दीप सिद्धू दी विचारधारा ते नास्तक विचारधारा उत्थे टकराई। दिल्ली दे विच एक ओ लोग ने जेड़े रब तो मुनकर ने, एक ओ लोग ने कहिंदे गुरु नानक साहब जी दा जेड़ा निशान है इस निशान साहब दे थल्ले ही
कौम ने चढ़दी कला दे विच फतेह हासिल कीती है। जे ये निशान साहब नहीं रहेगा तो फिर ये जड़ा किसानी संघर्ष जितया नहीं जा सकता, क्योंकि उत्थे अणख ते गैरत की गल है, उत्थे हकां की गल है। तो जिथे फिर गुरु की बाणी ना हो, जिथे गुरु की बख्शिश ना हो, सच जाणियो फिर जिहड़ी ये फतेह होई आ ना, ये फतेह मत सोचियो कि ये फतेह जिहड़ी आ चंद बंदियां की अगवाई करके हुई है। सच्ची गल ये है, ये किसानी संघर्ष गुरु की कृपा दे नाल, गुरु साहब जी की बख्शिश दे नाल, गुरु साहब जी आप वरते ने फेर जितया गया। यही गल कहिंदा सी दीप सिद्धू कि गुरु वरते है, गुरु की कला वरती है। जिहड़े लोग तीन दिन बाद स्टेजा ते जाके काबज हो जाते ने, वो नास्तक, वो कम्यूनिस्ट सोच फिर दीप सिद्धू नूं कह दिंदी है कि ये वक्खवादी है, इहदे करके सारा जिहड़ा ये संघर्ष खत्म हो जाना सी। और फिर दीप सिद्धू नूं कई कुछ गरदान दिता गया, पर मैं कहना दीप सिद्धू फिर चढ़दी कला दे विच अज पंजाब दी जवानी नूं संभालन वास्ते उसने मोर्चा सांभ लिया। खास तौर पर इस चोणां दे विच एक बड़ा वड्डा फैसला होने वाला सीगा पंजाब दी तकदीर दा। हो सकदा साढ़े को 30 साल बाद कोई इस तरह का समा आंदा, पर उस वेले दीप सिद्धू ने साडे अंदर वो अणख, वो गैरत, खास तौर पर दीप सिद्धू इस सिख फिलोसफी नूं तुर अंदर तक जाणदे सन। ते वो जदों प्रेजेंटेशन करदे सन ना, जदों दूसरियां दे सामने अपना पक्ष रखदे सन, खास तौर पर सानू अपना पक्ष नहीं ना रखना आया, टेबल टाक विच असी पिछे हाँ, पर उहदे कोल एक लियाकत सी। जदों वो बोलदा सी ते फिर जिहड़ी ढाणी 50-50-100 बंदियां दी आउंदी चुप कर जांदी सी, जदों कि उहनां कोल PhD ते पता नहीं की कुछ सीगा। मैं उहदे जीवन बारे उहनां दे ताया जी ने जो इंटरव्यू दित्ती है वह मैं कह के समाप्ति करा। जिवें बाबा बंदा सिंह बहादुर वख वख उसने गुरु धारण करके अखीर सच्चे गुरु की शरण में आण के जीवन बदल के ते फिर संसार दे उत्ते केसरी निशान साहब चलाया, इस तरह उन्होंने ताया जी दसदे हन कि इहदा बचपन जिहड़ा है वह ऐसा सी, जदों ये कॉलेज विच LLB करन वास्ते, जुडिशली पढ़ाई करन वास्ते गया सी, ते कहिंदे जदों मैं पहली वारी इहदे प्रिंसीपल नूं मिलिया ते प्रिंसीपल ने कहा ये कैसा बच्चा है, इस नूं कह दिओ कॉलेज छड के ना जावे। ते कहिंदे दीप ने मेरे पैर ते पैर रख के कहा प्रोमिस नहीं करना। ते कहिंदे संदीप सिंह ने बाहर आण के कहा ये साधन है, मंजिल नहीं। ते कहिंदे थोड़े समय दे विच इंग्लैंड पढ़न वास्ते चला गया। मैं कहा दीप हुण तां मुकम्मल हो गया सारा कुछ, ते कहिंदे नहीं ये साधन है, हाले मंजिल नहीं। और जिस तरह भाई जगतार सिंह जी दस के गए ने कि वो लीगल एडवाइजर बन गया और बॉम्बे सैटल हो गया, ते कहिंदे फिर मैनू बॉम्बे जाण दा मौका मिलिया और मैं कहा दीप हुण तां तूं अपनी एकाग्रता दे नाल अपना जीवन बसर कर और जो तू चाहुंदा है वह माण तैनू मिल गया। कहिंदे नहीं ताया जी ये साधन है, मंजिल नहीं। कहिंदे उस दे हर पल नू असी जिंदगी दे विच वेखिया है। उसने फिर अपने जीवन का एक फैसला लिया, वो फैसला धन गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में अरदास करके लिया कि सारा जीवन जिहड़ा हुण सिखी दे उज्जवल भविख वास्ते है, नौजवानी नू बचाउण वास्ते है। ते कहिंदे फिर दीप सिद्धू ने उन्हां दा मन भर आया सी, कहिंदे हाले तां जिवें अज वी सिखां दे मन विच किते डाढा दुख हुंदा ना, कहिंदे संसार दे विच नपोलियन तेग दा धनी है, पर सच जाणियो साहिबजादा अजीत सिंह दी उम्र छोटी है पर तलवार जिहड़ी आ नपोलियन तो वध चली है। अजीत सिंह दे
जड़ी तलवार वाही है ना छोटी उम्र च चार जंगा फतेह करनिया। नाम का अजीत हूं जीता नहीं जाऊंगा, जीता जो गया जीता वापस नहीं आऊंगा। किते कौम दे नौजवान कहिंदे ने काश साहबजादा अजीत सिंह कोल उम्र हुंदी तां साहबजादा अजीत सिंह जी दी तलवार कल्ली इस देश विच नहीं दुनिया दे विच किते जर्म जबर जुलम हुंदा तां ए चमकदी होई शमशीर अजीत सिंह दी नपोलियन तो वध दुनिया ते राज करदी। ए मन विच दुख हुंदा जदो कोई सूरमा चलिया जांदा, जदो कोई आगू चलिया जांदा। बाबा बंदा सिंह बहादुर गया, कौम आगू भी हुणे होगी। अज अपने आप नू लीडर कहण वाले बहुत ने, आगू कहण वाले बहुत ने, पर जिस तरह नौजवानां ने दीप संदीप सिंह दीप नू उस रोशनी नू अपना आगू मन्निया, अरदास करिए कि जिहड़ियां भावनावां उसने प्रगट कीतियां ने उन्हां नू पूरा करन वास्ते असी सार्थक जतन करांगे। इस इलाके दे विच्चों समाज दे विच्चों नशा जिहड़ा खत्म करांगे, प्रण करिए, क्योंकि इत्थों चले जाने आ ते फिर अपने समाजिक अपने परिवारक रुझेवियां विच जीवन खचत हो जांदा है। आ माता भागो दीआं वारस दस दस घर चुण लईए, दस दस परिवार सांभ लईए। असी कहिंदे आ दसवंध कढ़ना, ते ये भी दसवंध जे दसां घरां दे विच गुरमुखी पंजाबी सिखी का प्रचार करना, सिखी का लिटरेचर वंडना। इत्थे लाइब्रेरियन वीर जी ने, एक साडे अजमीत वीर जी ने, किन्ना चंगा होवे साडे कोल जिहड़ा फ्री टाइम है इत्थे इलाके विच लाइब्रेरी होवे, उत्थे साडी डिस्कशन होवे। जे 10-15 मैगजीन आउंदे ने, एक एक वीर एक एक भैन उस मैगजीन नूं पढ़े, ते फिर 15 दिनां बाद उत्थे डिस्कशन होवे कि सिखी दे भले वास्ते किहड़ा लेख है और किहड़ा विद्वान सिखी दीआं जड़ां वढ रिहा। ये सानूं संभालना पैणा है। अज मोर्चा तलवार वाला नहीं, अज कलम वाला है, अज विचार वाला है। असी विचारशील बनना है। दीप सिद्धू को सिख के जाइए कि इस इलाके दे विच नशा मुक्त समाज करना है। तो मेरी बेनती है जे नशा मुक्त समाज करना है तो साडे कोल वधिया लाइब्रेरी चाहीदी है, चंगे साहित नूं पढ़ांगे, क्योंकि सच्चा साथी जिहड़ा है वह गुरबाणी है। गुरबाणी इस जग मह चानन करम वसे मन आए, भाव इस रोशनी विच आईए और चंगा साहित पढ़िए और चंगे समाज की सिरजना वास्ते अपना योगदान पाइए और अरदास करिए कि पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। जे पंथ वास्ते सिखी वास्ते मेरा कुछ समा लग जाए, मेरा जीवन लग जाए, तो मेरे कौम के नौजवान नशे की दलदल तो बच जाण। एक मैं और बेनती करांगा भैणा नूं, अज जिथे नौजवान नूं सिहरद होना पैना है उत्थे नाल केसां की बेअदबी जिहड़ी साडियां धीआं कोल भी आ रही है, ते धीआं कोल सीधी नहीं आई। अज भरजाइयां चाचियां ताइयां जदों किते ब्यूटी पार्लर जा के केसां की बेअदबी करदियां होणगियां, जदों गुरु दे साहबजादियां दा डुल्लिया होया खून, जदों माता गुजर कौर शहीद मां माता गुजर कौर जी की शहीदी नूं भुला के जदों उस रस्ते पैंदियां ने, ते फिर साडियां बच्चियां सांभियां नहीं जाणगियां। तुसीं फैसला करना है, तुसीं टोकना है। जिहड़ी धी अज केसां की बेअदबी करन जा रही है, जिहड़ी साडी बच्ची वडेरी उम्र की भी है, जे वह केसों की बेअदबी करन जा रही है तो छोटियां बच्चियां भी वास्ता पा सकदियां ने कि जे ये रस्ता है ये सिखी की बर्बादी वाला रस्ता है। तो सारिया ने अपने इस समाज नूं बचा के रखना है, जिम्मेवारी है। बाबा कबीर जी कहिंदे ने कि दूसरे घर अग लगी होवे हसना नहीं चाहिदा, क्योंकि हवा दा रुख तब्दील होवेगा उही अग मेरे घर आ जाएगी। किन्ना चंगा होवे नतीश कुमार वांगू अरदास उन्होंने की गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में जदों मुख्यमंत्री बने से, कहिंदे मैं पटने की धरती नहीं पवित्र करना चाहुंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, मैनू बल दिओ, मैं पूरा बिहार नशा मुक्त करना चाहुंदा।
मैं समाजिक कुरीतियां खत्म करना चाहना गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी मैनू बल दिओ ते जदों तुसी गुरु कोलों बल ते समर्था मंगोगे ते फिर इस समाज विच जिहड़ियां कुरीतियां आ रहियां ने इस कुरीतियां नू खत्म करन वास्ते क्योंकि कल्ली दस्तार दी गल ना करिए इस चुन्नी दी भी गल करिए क्योंकि कश्मीर दे विच किन्ने मुसलमान भरा कहिंदे ने सिखणी दूरों पछाणी जांदी है उहदे हाथ विच कड़ा है उहदे सिर ते सोहणी चुन्नी है ते जे किते साडे मत्थे ते बिंदी ते मांग विच की कहिंदे संदूर होवे ते फिर काहदी सिखी इह असीं अपने आप नूं सामणा है सिख रहत मर्यादा अनुसार अपना जीवन बसर करना है इहो ही सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी मेरियां भुल्लां मेरी झोली विच पा दिओ और जिहड़ा वड्डा समागम ज्योति सरूप हो रहा है वध चढ़ के संगतां जिहड़ियां उत्थे शामिल होण क्योंकि वह दीप और रोशनी देन वाला साढ़े कोल किते नहीं गया जे वह रोशनी नूं असीं सारे प्राप्त कर लईए ज्ञान अंजन गुरदिया अग्ञान अंधेर विनाश ते सच्ची मुची जे साढ़े अंदर अग्ञानता का हनेरा दूर हो जाएगा ते फिर साढ़े धियां पुत जिहड़े आ धर्म के रस्ते ते चलणगे फिर जिथे साडा नाम रोशन करनगे उत्थे फिर अपनी कौम दा ते अपने देश दा भी नाम रोशन करनगे इन्नियां बेनतियां प्रवान गज के फते बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बहुत डूंगियां विचारां भाई साहब जी ने आप सुन संतां दे सामने रखिया बस अरदास है कि विचार साढ़े अंदर घर घर जा सानू गुरमत की गाड़ी का रस्ता साफ मिल जो दीप मेरे को मिलिया से मैं हम पहला बोलिया से कि साढ़े नौ तक करांगे समाप्ति पर इस हीरे की गल करद मैनू लगता है जिंदगी भी मेरी चली जाए तो भी घट होगी पर कोशिश करेंगे असं 10-15 मिनट तक होर समाप्ति उतरांगे मैं हूं आप समूह संगतों को विदेशों में देख रहे लाइव टेलीकास्ट अखबारी चैनल जो जो कि मेरे भाई बहन देख रहे हैं जिन्हों के रूप में आप समूह संगतों को कराने लगा हाँ कौमी की कौम लिए घट योद्धा नहीं जो अज जिंदगी जी रहे हैं वो अकाल पुरख ने बख्शी हुई क्योंकि बहुत संताप उन्होंने अपने हिरदे अपने पिंडे से हटाया होया है ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਲਿਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ जो सुंदर इस ही हुए करना जो भागे इस जोनी फिरना सूरा सो पहचानिए जो नरह दीन के खेत ऊर्जा ऊर्जा हट मरे कब होना छाड़े के असी सारे आज कौम दे उस महान योधे भाई संदीप सिंह जी जिन्हां नूं असी प्यार नाल दीप सिद्धू करके जाणदे सां उन्हां दी याद नूं समर्पित असी इत्थे जुड़ मिल बैठे हाँ जम्मू विखे मैं आप जी दे नाल चंद गल्लां करांगा तफसीलन पहली गल तां इह है कि असी इस चीज़ का एहसास करिए कि अज असी क्यों इत्थे एकत्र होए हैं ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ
मैं समझना कि अगर असी ये समझ जाएंगे तो साड़ी जिहड़ी भावना है साड़ा जिहड़ा नज़रिया है वह स्पष्ट हो जाएगा कि वो अपनी कौमियत को समर्पित सी। क्योंकि मैनू जान के बहुत हैरानगी हुई क्योंकि मैं कुछ दिन पहला भी पंजाब विखे सत्कारयोग सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान मेरा शुरू तो उन्हां नाल बहुत प्यार है और मैं आप जी नूं एक चीज़ दस देना चाहुंदा कि साडा भी एक कौमियत का सुपना है। साडे भी वो सियासी मसाइल ने जिस दी गल और जिस दी नुमाइंदगी सिमरनजीत सिंह मान जी ने बखूबी की जिन्ह ने अपना वो IPS का अहुदा त्याग के कौम दे लई गल की अते बहुत कष्ट झले जेलां चलिया। मैं गल कर रहा सां दीप सिद्धू दी कि मैनू सत्कारयोग सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान ने दस्या कि वो बार एट लास्ट खालसा जीओ तुसी अगर इतिहास वाल झात मारो तो दुनिया के बहुत सारे जड़े महान लीडर होए ने खासकर क्रांतिकारी लीडर जिन्हां ने अपने कौम नूं कुछ लै के दिता है वो सारे टॉप के वकील होए ने। साडे सामने मुहम्मद अली जिन्ना एक बहुत वड्डा वकील सी, महात्मा गांधी एक बहुत वड्डा वकील सी, जवाहर लाल नहरू एक बहुत वड्डा वकील सी जिन्हां ने इस खिते दे विच अंग्रेज़ां कोलों आज़ादी ली। इस तरह ये दीप सिद्धू भी बार एट लास्ट सी जिहड़ा कि UK की टॉप यूनिवर्सिटी विच कानून पढ़िया सी। वो सारे सुख आराम त्याग के इतना वड्डा वो एक्टर सी, इतने पैसे ऐशो आराम, ये जो उसनू अपने पंथ दे दर्द की जो जाग लगी है बस उस जाग नू समझण दी लोड़ है। और मेरी गुजारिश है, मैं पंजाब भी उत्थे काफ़ी मान साहब दे करके मैं गया सीगा, मैं उत्थे बोलिया, मैं उन्हां उस इलाके दे लोगों नू पुछया कि भाई तुसी ये सोचो कि ये सारे अदाकार और खासकर दीप सिद्धू वर्गे लोग ये सिमरनजीत सिंह मान दे कोल ही क्यों आए। मेरी एक बेनती है सिनेमर की सानू साड़ी सच्ची श्रद्धांजलि उसनू ये होएगी, असी अगर अज इत्थे जुड़मिल बैठे हैं वो ये होएगी कि असी भी कोशिश करिए कि अपने अंदर असी वो दर्द लियाइए, असी भी अपने पंथ नू समर्पित हो जाइए, असी अपनी नौजवानी नू उस पासे लाइए। और मेरी सिनेमर बेनती है कि जिस तरह सरदार हरपिंदर सिंह जी बखूबी कह रहे सन उन्हें जो कि साढ़े श्रोमणी कमेटी के इतों इंचार्ज ने कि अज साडे इर्द गिर्द जो जाल बुनिया जा रहा सानू खत्म करन दा, जिस तरह कि दीप सिद्धू लगातार कह रहा सी कि साडी होंद नू खतरा है, उसने पहली गल आप जी ने सुनिया होना सोशल मीडिया दे कि साडी होंद नू खतरा है, इस विच कोई शक नहीं है कि साडी होंद नू खतरा है। अज अगर एक फिरका अपनी कौमियत की गल कर सकता है कि सानू भी अपनी कौमियत का गल करन दा अधिकार है, और उसने वो विचरिया, उसने वो गल की और अपना रोल निभा के चला गया। पर साड़ी सच्ची श्रद्धांजलि ये होएगी कि असी अपने एनवायरमेंट नू गुरमत के मुताबिक टालीए, असी अपने बच्चों नू गुरमत के नाल जोड़िए। मेरिया मावां भैणां बैठिया ने उन्हां नू उच्च विद्या नाल भी जोड़ो, क्योंकि जब तक असी दुनियावी विद्या नहीं पढ़ांगे असी साजिशकारां दियां साजिशां नहीं समझ सकते। इस करके मेरी सिनेमर बेनती है कि असी गुरमत नूं समर्पित हो जाइए, अपने अंदर वो जाग लगाइए और कोशिश करिए कि असी समाज दे विच अपनी जम्मू दे विच खासकर असी धड़ियां तो उपर उठ के शख्सियतां तो उपर उठ के असी गुरु दे सिद्धांत नूं समर्पित हो जाइए। मैं समझना कि वह सच्ची श्रद्धांजलि होएगी दीप सिद्धू नूं और कौम की चढ़ती कला होएगी। आओ असी सारे गज के एक बार मैं उसकी याद में एक जयकारा लाँगा, आप जी गज के जरा जवाब दो, बोले सो निहाल।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सनवीर नरिंदर सिंह जी खालसा, एक बड़े अहुदे तो जेके बैंक तो मैनेजर की पोस्ट तो रिटायर्ड होए हैं। कौम लिए बहुत तशद्दुद इन्होंने चलिया है। ये पंथदर्दी काफले के साडे मुखी सन। मेरे को बहुत बुलारी इत्थे बैठे हैं, मेरे वीर रविंदर सिंह जी, होर भी बहुत सज्जन हैं। क्योंकि शॉर्ट टाइम है, 2-3 मिनट लिए मैं वीर अपने जतिंदर सिंह जी लक्की वीर उन्होंने बेनती कराँगा। वो सतवारी कंटोनमेंट के चेयरमैन हैं। 2-3 मिनट लिए आप समूह संगतान के सन्मुख होंगे, उस तो बाद तकरीबन सारी समाप्ति करांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र ओठ दे विच जुड़ बैठी साध संगत जीओ, दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ा सिंबल कैंप के नौजवानों ने वीर दीप सिद्धू की याद के विच ये जिहड़ा प्रोग्राम रखिया है, उस प्रोग्राम के विच सानू भी सद्दा पता आया ते विशेष तौर पर कहा गया कि तुसी आना है। असी दीप सिद्धू की याद के विच ये प्रोग्राम मना रहे हैं। मैं इत्थे दी संगत नूं एक गल पूछना चाहवांगा, जे ते उस वीर की याद नूं हर साल खाली इस तरह ही मना के छड देना है ते फिर असी इस दे बारे सोचिए ते इस दे बारे असी एक कदम पिछे हो जाइए। क्योंकि जिहड़ी वीर दीप सिद्धू की जिहड़ी एक सोच सी, वो बड़ी विजनरी सी। जे असी उसकी सोच नूं अपने अंदर ना बसा सके ते सिर्फ उसका दिन मनाएंगे ते फिर इसका कोई फायदा नहीं। असी उस वीर दी सोच नूं अपने अंदर बसाना है ते तां ही सानूं ये दिन मनाउण दा फायदा है। जिथे वीर सिद्धू ने एक हथ दे विच तलवार दसी ते दूसरे हथ दे विच झाड़ू दसिया ते फैसला छोड़िया कि फैसला तुसी करना है कि तुसी किसनूं चुनना है। क्योंकि सरकारां हमेशा सानूं दे नाल धक्का करदियां आईयां हन ते असी सरकारां दे नाल किस तरह निपटना है ये तुसी सोचना है। इस चीज़ का चुनाव तुसी करना है। मैं सोचता हाँ जिथे वीर सिद्धू ने एक हथ दे विच तलवार दिती ते दूजे हथ दे विच नौजवानी दे हथ दे विच पेन और कलम दे देंदे, कागज़ दे देंदे, ताकि असी तलवार दे नाल ते जित सकते हाँ। पर अज की जिहड़ी सरकारां हन ओ इन्नी ज़्यादा साढ़े तो तेज़ हो चुकियां हन कि असी उन्हां दे नाल जोर दे नाल नहीं जित सकते। उन्हां दे नाल सानू दिमागी तौर पर भी लड़ना पेगा। क्योंकि मैं तुहानू एक पिछला इतिहास दसना चाहवांगा कि सारी जंगा जिहड़ियां तलवारां दे नाल नहीं जितियां गईयां, कलम दे नाल भी जितियां गईयां। जब साडे मानसिक तौर पर असी मजबूत और पक्के हो जावांगे और सरकार नाल लड़न वास्ते तैयार हो जावांगे तो जंगा अदू भी जितियां जा सकदियां हन। तुसीं देखिया होना हिटलर ने घट तो घट 60 लाख यहूदी जिहड़ा तंदूर दे विच पा के साड़ दिता, जिहड़े बाकी बचे खुचे यहूदी उन्होंने देखिया हुण साडे कोल वस नहीं रहा इन्हां दे नाल लड़ने वास्ते ते उन्होंने उसले उत्थों निकल गए और अपने आप नूं दिमागी तौर ते मजबूत किया और अपने बच्चों नूं पढ़ाया और इस कदर तक पढ़ाया कि अज उन्हां दे बच्चे पॉलिसी मैटर डिसाइड करते हैं और अज देश की सब तो बड़ी इकॉनमी दे उपर उन्हां दा कब्जा है। तो मैं आप सब दे अगे यह बेनती करदा कि अपने बच्चों नूं भी पढ़ाओ, अपने बच्चों नूं इन्ना पढ़ाओ कि कोई IFS की तैयारी करे, कोई IAS की तैयारी करे, तो कोई IPS की तैयारी करे,
तो जिनी देर तक असं एडमिनिस्ट्रेशन के अपने बच्चे नहीं पहुँचावे तो असी अपने वास्ते पॉलिसी मैटर नहीं तैयार कर सकते, असी अपने वास्ते जंग नहीं लड़ सकते। इस करके उसकी जिहड़ी विजनरी सोच सी, क्योंकि तुहानू सब नू पता चल गया है कि उसने वकालत भी की सी, होर बड़े सारे उसने डिग्रियां कीतियां सन, पर वो इन्ना सब तू उठ के उसने दिमागी तौर पर अपने आप नू मजबूत कर लिया सी कि मैं अपनी कौम वास्ते, कौमियत वास्ते, पंजाबीयत वास्ते किस तरह लड़ना, उसने पूरी स्ट्रैटजी तैयार कर ली सी। ते जब तक साढ़े बच्चे उच्चियां पोस्टां तक नहीं पुजनगे, पॉलिसी मैटर साढ़े वास्ते डिसाइड नहीं कर पाएंगे, रख नहीं पाएंगे, अद तक असं सक्सैसफुल नहीं हैं। बस इन्हां ही लफ्ज़ां दे नाल मैं आप तू इजाजत लाँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू बाहरों विदेशों तो वीर फोन आ रहे सी कि होर भी साढ़े कोल सिंह पहुँचे हैं, पर समा भी काफ़ी हो गया है। मैं खिमा मंगदा उन्हां कोलों, बस एक दो बेनतियां कुछ उस हीरे के मुताबक। तो जिहड़ा प्रोग्राम लिखा गया सी वो इको एक सिंह सी साडा बाहर बैठा कनेडा, उन्हें कहा सी कि असी अखंड पाठ भी रखाना, लंगर भी चलाउणे, पर उस वीरे की याद जरूर मनानी है। तो मैं मुबारकबाद दिंदा उस वीर नूं भी। हुण दो चार बेनतियां जो मैं आप जी के सरमुख रखन लगा हाँ। देखो ये जिंदगी की जिहड़ी कमाई है ना, बड़े पेंडे चल के, बड़े तशद्दुद चल के आउंदी है, खास करके सिक्खी विच। ये गुरु घर के वजीरी तो लैके गुरु घर की सेवादारी तक, जे अपना परिवार निछोवर किया, अपने घर का दीवा बुझा के कलगीधर पातशाह ने साडे घरां दे रोशन वो दीवे किते, वो दीप किते, चार दहाकियां तो तकरीबन मरदे मुजाहिद अकाल तख्त तो एक वंगार निकली सी, जिसनों किसे समय सरकारां ने डेढ़ करोड़ दे ऑफर, डेढ़ अरब डॉलर दे ऑफर दिते सन खरीदन वास्ते, पर वो बिकया नहीं सी। वो गल बखरी कि अज तक उस दियां तस्वीरां बिकरियां हन। बड़ा निखिला योद्धा सी, संत सिपाही मरदे मुजाहिद, शाने खुदा संत भाई जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले। उसे लीक नूं तोड़दे होए ये दीप वीरा, इसकी अतकथनी तुसी देखो, अज कोई नहीं चाहता कि मैं मखमली गद्दियां विच सौंदा होवां, ऐशो आराम की जिंदगी होवे, बैंक बैलेंस होवे, कोई नहीं त्यागदा, कोई विरला ही है। वो पंजाब की धरती सी जिसने ताप भी झलिया ते राज भी किया। एक वकील, एक हीरो फिल्मी अदाकार सन्नी देओल दे नाल पक्की यारी, पर गद्दार सन्नी देओल ने जदों इसनों साडे किसानों के तरफों जा हाकमां दे साजिश तो तरफों दीप वीर नूं गद्दार किसानी मोर्चे विच आख्या गया, तो सन्नी देओल दा राइट हैंड सी ए संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू, उन्हें कहा मैं इनू पछाणदा नहीं, इनू दर्द सी कि जून 84 विच तुहाडे तख्त नूं मलिया मेट कीता गया सी, फौजां दरबार साहब दे अंदर सने बूट सिगरट पींदियां होईयां अंदर आईयां सन, मेरिया भैणां दी पत बेपत कीती गई सी, मेरिया मावां दियां चुन्नियां सिरां तों उतारियां गईयां सन, मेरे नौजवान वीर बुजुर्ग वीरां दे सिरां उत्ते बीड़ियां सुटियां गईयां सन। उह दर्द सी जून 84 विच अकाल तख्त नूं टह टेरी करन तो बाद लंगर हाल दे गुम्बद उपर तिरंगा चलाया गया सी। इह वी तुसीं याद रखियो, किसे दिन इतिहास जी पढ़ के
ਉਹ ਦਰਦ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਰੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲਾਇਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਰ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਲੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੇ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੇ ਹੈ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੈ ਮਲਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗੈਰਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਿਓਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਖਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮ ਪੂਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਕੋਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਘੱਟ ਜੀ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ ਭਾਈ ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੀਪ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹੀਰਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੀ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਅਮੂਮਨ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 50 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਚ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਅਸੀਂ ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦਾ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲਊਗੀ ਇਹ ਅਣਖ ਸੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਲੱਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕਮ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, IPS ਅਫਸਰ ਬਣਾਓ। ਪਰ IPS ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਬਣੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੱਟਣਾ ਜੇ, ਪਰ ਫੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੀਜ਼ੇ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਰਪੈ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਕਾਊ ਨਾ ਬਣੋ। ਬੜੇ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਕਮ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਗਾਓ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਗਾਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਲੜਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਸਟੈਚੂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਪਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ ਹਨ, ਦਾੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਗਈ। ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਕਲੀਗੇ ਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਜੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਲੀਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। 3 ਦਿਨ 1, 2, 3 ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲੋ, ਬੇਜੰਮੀ ਰਹੋ।
जमीर ना बेचो, अणख ना बेचो, पंजाब दे वांग अपने जम्मू कश्मीर नू सुनहरा बनाओ। अपने जम्मू कश्मीर दी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत चढ़दी गला वाले नौजवान हैं, बहुत चढ़दियां गला वाली मेरिया भैन कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़न वाली, उन्होंने बेनती अपने बच्चों नू अपने वीरां नू अगे तोरो। अणख जिउंदी रहेगी तो परिवार जिउंदा रहेगा, परिवार जिउंदा रहेगा तो समाज जिउंदा रहेगा, समाज जिउंदा रहेगा तो पंथ जिउंदा रहेगा, पंथ जिउंदा रहेगा तो कौम जिउंदी जागदी तुहाडे सन्मुख खड़ी होवेगी। उस कौम विच दीप सिद्धू वर्गे एक नहीं हज़ार दीप बालन वाले आउणगे जी। इस करके मेरी बेनती जे, मैंने उम्मीद सी कि संगत का इकट्ठ भी होएगा, खाली लंगरा तक ना सीमित रहा करो। वो दीप वीरा रोड़ां विच पिया रहा, किसानी संघर्ष च भुखा भी सुता, ऐशो आराम की जिंदगी नूं ठोकर मारी। जिवें संत जी की तस्वीर बिकदी है ना, इवें उसे लैण ते दीप सिद्धू दियां तस्वीरां बिकणगियां। फाण दे लोकां ने ट्रालियां विच तस्वीरां लगाईयां, लोकां ने टैटू बना के अपने बाहां ते दीप सिद्धू की फोटो लगाई। इसका मतलब कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ वंश सच्चे पातशाह दे उहदे हिरदे अंदर, उहदे जमीर अंदर चलदी सी, जड़ा वो अपने दीप नूं रोशन करके गया। साणू माण है, सानू फकर है उस अनमोल हीरे वर्गे। पर कई बार मेरा दिल मनदा है सच्चे पातशाह उहनूं अपने चरणां दी वासना बख्शी, उहनूं फिर वापस इस जालम हुक्म नाल टकराउण लई इस धरती विच बार बार भेजदा रहा, ताकि जड़े मोए हन, जड़े मुड़दे हन, उन्होंने जगा के फिर वापस हलूना देवे। दीप सिद्धू वर्गे नू वापस बार बार पंजाब की धरती दे पेज, जे किते रहम आ गया ही कि दीप सिद्धू वर्गा किते जम्मू कश्मीर की धरती ते भी भेज देवी, ताकि लड़ लड़ के मरण वाले एकता विच आ जावन। इनिया ही मेरिया बेनतियां सन। गुरु के लंगर तैयार हैं, सारे थक के जान की कृपालता करनी। 24 तरीक फतेहगढ़ साहब विखे उहदी अंतम अरदास पढ़ी जाएगी। भाई टोडरमल दीवान बहुत वड्डी देन है, बहुत वड्डी गल है कि एक हीरे की अंतम अरदास साहबजादियां दी धरती ते पढ़ी जानी है। जिहड़ा जिहड़ा जा सकता है वह जरूर पहुँचे। अपने अंदर हर एक दीप नूं जगा के रखो, अपने बच्चों विच वह दीप रोशन करो। जे जम्मू कश्मीर विच भला चाहुंदे एक दूजे का, सो अखीर विच मेरी बेनती है, वीर नरवीर सिंह जी ने बेनती की है कि सिख नौजवान सभा वालों ऐतवार 27 फरवरी नूं शाम के 6 बजे गर्ल्स हाई स्कूल तो लैके लिंक रोड सिमल मोड़ विखे उस अनमोल हीरे की याद विच कैंडल मार्च कढ़िया जा रहा है। तो आप समूह संगतां ने उत्थे भी पहुँचना है। बहुत समा हो गया है, मैं आप समूह संगतां दे चरणां विच मस्तक रख के माफ़ी मंगदा हाँ। पुल चुक दी किमा करनी, आओ सारे रल मिल के आनंद साहब जी का पाठ करके मैं वीर गगनदीप सिंह नूं बेनती करदा हाँ कि उत्थे बैठ के संगत विच आनंद साहब का पाठ करन सारे मिल के पाठ करिए। अंतम अरदास भी शामिल लईए। साडा भरा, साडा पुत, साडा नौजवान वीर सी, बजुर्गों का पुत सी, नौजवानों की दिलों की धड़कन सी, उहदे लई अरदास करके जाइए सच्चे पातशाह। जे अपने चरणां च नहीं निवास बख्शना फिर वापस भेज दे, उहदी लोड़ है, उहदी जरूरत है। मेरी इन्नी ही बेनती है, प्रवान करनी है भुल चुक देखी मां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਓਮਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾ ਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना, सब नागला समरथ स्वामी क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है जिसते सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे। भगवती जी साहिबार श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवते समर कै गुरु नानक लेते आए ब्रंगत गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नाव निदयावै ताए सब तायों जी सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब तायों जी सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार वल ध्यान तर खालसा जी साहिब। बोलो जीवा
ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗਨੀਵਾਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀਵਾ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤਿਆਵ ਚਿੱਤਿਆਵਨ ਗਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਹਾ ਦੀਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਾਂਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਖਿੱਚ ਖਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਯੋਧਾ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਆਯੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਆਏ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੰਭਾ ਨੂੰ ਧੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੇ ਚਿੱਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਲ ਤਾਕਤ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੋਂ ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ
हुक्मनामा बख्शे संगतां नूं नदरी निहाल करना दीवान साहिब समाप्ती जी की अरदास अखर वादा घाटा पुलचुक माफ करना सचे पातशाह महाराज जिन्ना जिन्ना माई भाई वीर ने सचे पातशाह जी परदेसी वीर ने जो विदेशों की धरती विच रह के इस दर्द नूं झेल रहे हैं सचे पातशाह उन्हां ते रहम करना महाराज उन्हां दी हर सेवा थाए पावनी अरदास बेनती दर प्रवान करनी अखर वादा घाटा भुलचुक माफ करना सरबत दे कार्य रास करने सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाही बंद होवन सुख होवै नाम चिते आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या पई अकाल की तबह चलायो पंत सब सिखन को कमै गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जे मानियो प्रगट गुरां कीते जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द मेल राज करेगा खालसा आकी रह न कोए ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो राज करेगा खालसा आकी रह न कोए ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो बोले सोनेहार वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ सूरा सो पहचानिया जो लरा दीन के हित बहुत जन्म परमत
सतत हारो अस्थिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर